ये सोनी का सिस्टम है सीडी प्लेयर, और ये साउंड नहीं है गाड़ी में ना, स्पीकर में कोई साउंड नहीं है। तो मैंने स्पीकर खोले, इसमें प्रॉब्लम ये है। ये वायरिंग कटिंग करके या वायरिंग छील के तार नहीं जोड़नी चाहिए। इस सब का यही हाल है, मैं भी दिखाता हूँ आपको। सारे स्पीकर में सेम हाल है। खोलिए पूरे टेप। ये कपलर उड़ाया गया था। किसी भी स्पीकर में साउंड नहीं है। ये वायरिंग छील के लगाया तो ये कार्बन आ गया सारा। ठीक है, अभी हम इसमें यहाँ कपलर जोड़ेंगे और साउंड आ जाएगी। लगा तार छील के ना जोड़ें कहीं भी, ये कुछ टाइम तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ टाइम बाद जब धीरे धीरे चलता है कार्बन वगैरह आना शुरू हो जाता है, सब में चारों स्पीकर एक साथ बंद हो गई है। कारण इसका सिर्फ यही था। ये कपलर आता है, ये जॉइंट मारो, हर गाड़ी का अलग अलग कपलर आता है स्पीकर का। ये कपलर जॉइंट मार दो और उसके बाद स्पीकर में कनेक्ट कर दो, तार छीलने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी लगा रहे, पकड़ ले उसको, दर पकड़। ये आ गई साउंड। चलो, चारों स्पीकर का सेम यही हाल था, इधर भी यही है। इसमें भी हम कपलर जॉइंट करेंगे और आवाज आ जाएगी। कपलर जॉइंट मारना जरा। अभी मैंने यहाँ साउंड बढ़ाई हुई है, ऐसी जोड़ ले ऊपर ऊपर और लगा के चेक करा एक मिनट। इतने बढ़िया स्पीकर JBL के लगाए, सिस्टम सुनी, ये आ गई। स्पीकर JBL लगाए और सिस्टम लगाया सोनी, और तार छील के जोड़ दिया, कार्बन आएगा और साउंड बंद हो जाएगी। और कार्बन और भी प्रॉब्लम आती है तार काटने से या छीलने से, तार नहीं काटनी चाहिए और ना ही छीलनी चाहिए।